Hello students, welcome in Nav Bharati family. I am Priya Sharma and I am your chemistry teacher. हम लोग पढ़ रहे हैं 11th की chemistry और 11th की chemistry का ये chapter second है. जो chapter second है basically ये है atomic structure. इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे atomic number and mass number और जो दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे atomic model. चलिए start करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से. देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एटॉमिक जो नंबर है बेसिकली उसको Z से रिप्रेजेंट किया है और जो मास नंबर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है A से. तो आप ये देखिए, कोई भी अगर जब एटम होता है उस एटम में तीन पार्टिकल्स होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसने इनकी डिस्कवरी की थी हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं. तो देखिए क्या होता है एटॉमिक नंबर. अगर बात की जाए तो अगर मैं बात करूं प्रोटॉन, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल टू होगा एटॉमिक नंबर के. ठीक है, कितने भी इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, है ना, कंडीशन कौन सी, न्यूट्रल कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी इक्वल टू होगा एटॉमिक नंबर के यानी जेड के. तो आप बेसिकली मोटा मोटा ये देख सकते हो कि कोई भी जो प्रोटॉन है, बेसिकली प्रोटॉन के कितने नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर एकदम सेम होगा बिल्कुल एटॉमिक नंबर के यानी जेड के. और न्यूट्रल कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे वो एटॉमिक नंबर ही कहलाएंगे. तो आई होप आपको एटॉमिक जो नंबर है यानी जेड, इसका कंसेप्ट यानी इसकी चीज समझ में आई होगी. अब हम बात करते हैं मास नंबर की. देखिए मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन के नंबर प्लस प्रोटॉन के नंबर कहलाते हैं क्या, मास नंबर यानी कि ए. ठीक है, आप अगेन आप ध्यान रखिए, न्यूट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, मास नंबर. तो ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं. मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगी हीलियम का. आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर एटम है, कोई भी एलिमेंट है बेसिकली यानी एक्स, जो आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, उसके ऊपर हम लिखते हैं क्या, मास नंबर. नीचे हम लिखते हैं क्या, एटॉमिक नंबर. ठीक है, जैसे कि ये हीलियम है, हीलियम में आप देखो हीलियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 4, ये ऊपर लिख रखा है, रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे. और एटॉमिक नंबर होगा हीलियम का 2 जो कि नीचे है. तो किसी भी एलिमेंट का मास नंबर, है ना, और एटॉमिक नंबर हम इस तरीके से शो करते हैं. ऊपर क्या आता है हमारा मास नंबर, नीचे क्या आता है हमारा एटॉमिक नंबर. अब देखिए आगे अगर अपन बात करें तो हीलियम जो है उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन है. ठीक है, कितने प्रोटॉन है देखो, 2 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हुआ, 2. ठीक है, हीलियम जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, प्रोटॉन कितने हैं, 2. तो इन दोनों का एडिशन ही क्या होता है, मास नंबर. यानी कितने हैं मास नंबर हीलियम के अंदर, 4. तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना. अब देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. एटॉमिक नंबर हमें समझ में आ चुका है, मास नंबर हमें समझ में आ चुका है, हमने एग्जाम्पल भी ले लिया है. देखिए अब हम पढ़ेंगे जितने भी डिफरेंट मॉडल है बेसिकली एटम के, उनके बारे में और इनकी हिस्ट्री भी हम जानेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्टेड. अब आप देखिए सबसे पहला जो हम मॉडल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. क्या कहा थॉमसन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये थॉमसन है ये वही है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, सर जे जे थॉमसन ही है ये, है ना. तो देखिए क्या हुआ बेसिकली, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है. कहा जाता है कि बेसिकली जो रिपोर्टर्स थे, बहुत सारे जो बेसिकली जनता थी, उन्होंने थॉमसन जी से कहा कि भाई सर आप मुझे बताइए, आपने इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर दी, सर जे जे थॉमसन जी आपने इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर दी, अब ये भी तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन एटम में रहते कहाँ हैं. अब कहते हैं उस टाइम थॉमसन जी जो है वो तरबूज खा रहे थे,
ठीक है, तो उन्होंने तरबूज की तरफ देखा और जस्ट तरबूज की तरफ देखकर उन्होंने ये बोल दिया कि जो बेसिकली ये तरबूज की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, है ना, तरबूज की तरफ देख के उन्होंने क्या बोला, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है के न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये रेड जो पार्ट है वो प्रोटॉन है, और जो ये ब्लैक ब्लैक सीड्स जो आपको दिख रही हैं ये इलेक्ट्रॉन है। जस्ट रेंडमली थॉमसन जी ने इस बात को कह दिया, अपनी बात को प्रूफ कर दिया। अब सेम जो है ना, थॉमसन जी ने जो अब थ्योरी दी थी ना तरबूज को लेकर के, भाई बेसिकली जो एटम है वो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि एटम भी कैसा होगा, गोल, धरती गोल है, सूरज गोल है, चंदा गोल है, तो उन्होंने सोच लिया कि भाई जो एटम होगा वो भी क्या होगा, गोल। तो उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उन्होंने कह दिया ये जो ग्रीन पार्ट है वो आपको मैंने बता चुकी हूँ न्यूट्रॉन, ये जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन, और जो ये सीड्स हैं ब्लैक सीड्स ये हैं इलेक्ट्रॉन। तो जस्ट उन्होंने रैंडमली अपनी ये थ्योरी दे दी। अब उस टाइम पे क्या था ना कि सर जे.जे. थॉमसन को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतना कोई उनको चैलेंज करना बड़े मतलब छोटी बात नहीं थी। उन्होंने एक और चीज कही थी सर जे.जे. थॉमसन ने, उन्होंने कहा था जो प्लम पुडिंग होता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है बाय द वे, तो ये जो प्लम पुडिंग होता है उन्होंने इस शेप पे भी जो है बताया, क्योंकि ये लगभग तरबूज जैसा शेप है इसके अंदर। उन्होंने इसके आउटर पार्ट को तो बेसिकली बोल दिया न्यूट्रॉन, सीड्स जो आपको दिख रही हैं उसको बोल दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो आपको ये व्हाइट व्हाइट सा अंदर पार्ट दिख रहा है ना ये उसको बोल दिया इन्होंने प्रोटॉन। तो हम इसे इसलिए प्लम पुडिंग भी बोलते हैं मॉडल, और हम इसे जो है वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, और बेसिकली इनको इक्वली हम क्या बोलते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए ये जो सारी बातें कही थी मैं अगेन आपको बता दूं, जो थॉमसन जी थे उन्होंने रैंडमली कहा था, अपनी बात को जस्ट जस्टिफाई कर दिया, लेकिन क्या उन्होंने ये सारी बातें सही कही ये हम जानेंगे नेक्स्ट। देखिए उनकी बात को गलत या सही प्रूफ करने से पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि बेसिकली उन्होंने क्या बोला, थॉमसन मॉडल को पहली बात तो प्रपोज कब किया गया, 1898 में। क्या बताया उन्होंने कि देखो तरबूज जो है बेसिकली, उन्होंने क्या सिचुएशन बताई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू तो बता दिया। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो गोल होता है, ठीक है, उन्होंने ये बताया स्फेयर क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटोन का पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा जो स्फेयर है ये बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ है, और इसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे तरबूज में आप देखते हो ना पूरा जो गुद्दा होता है वो उन्होंने बताया था प्रोटॉन, और जो बीज थे वो इलेक्ट्रॉन थे। तो उन्होंने ये कहा था जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे मतलब बेसिकली उस पूरे स्फेयर में चारों तरफ से वो फैले हुए हैं, उनके कहने का मतलब ये था। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एटम इज न्यूट्रल, उन्होंने ये चीज भी बोल दी थी। तो देखिए उन्होंने ये सारी चीजें बोल दी, अपनी थ्योरी दे दी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो राइट थे या रॉन्ग थे अब हमें पता चलेगा। देखो जो लिमिटेशन है थॉमसन मॉडल की वो निकल के आई, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले उनसे ये कहा गया कि सबसे पहले जो उनकी थ्योरी थी वो थी पूरी तरीके से थ्योरेटिकल, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया था, कोई अप्रोच ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम उनको कोई बेसिकली जज भी नहीं कर सकता था थॉमसन जी को, क्योंकि उन्होंने कोई मतलब हर कोई ये मानता था कि भाई अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है तो हो सकता है उन्होंने थ्योरी सही दी हो, तो उनको कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा था। दूसरा उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इन चीजों के बारे में वो बता नहीं पाए, तो इस वजह से ये लिमिटेशन उनकी कही जाती है। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। अब उस टाइम क्या हुआ था जब ये चीजें चल रही थी ना, जब सर जे.जे. थॉमसन जी जब बता रहे थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बेसिकली कहाँ उनकी पोजीशन है एटम में, जब इस सब चीजों के बारे में डिस्कस हो रहा था, तो उस टाइम जो रदरफोर्ड है बेसिकली वो ये डिस्कस कर रहे थे, वो लोग ये खोज कर रहे थे, मैडम क्यूरी हुई या रदरफोर्ड हुए, ये सब ये चीज सोच रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल है इसको रोकने के लिए मतलब ऐसी चीज बनाई जाए कि अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज है उनको रोकने के लिए हम कुछ शेल्टर बनाए, बेसिकली इन सब चीजों की खोज की जा रही थी। रदरफोर्ड का बिल्कुल भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई वो सर जे.जे. थॉमसन जी की जो बात है जो उन्होंने थ्योरी दी है अबाउट द एटॉमिक मॉडल उसको गलत प्रूव करें, ऐसा इनका कोई भी विचार नहीं था। बट बस ये क्या कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे और ऑब्जर्वेशन ये कर रहे थे। इसी के बीचों बीच क्या हुआ चलिए देखते हैं। बेसिकली जो ये इनका जो इन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है, ये जो पूरा एक तरीके से ये जो प्रैक्टिकल है ना
ये प्रैक्टिकल इनके स्टूडेंट ने किया था, लेकिन नाम हम रदरफोर्ड का क्यों लेते हैं, बिकॉज कंक्लूजन जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था, इसलिए नाम रदरफोर्ड का चलता है हमेशा। बल्कि जो ये प्रैक्टिकल था वो उनके स्टूडेंट ने किया था। क्या किया था इस प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या किया कि देखो जो ये अल्फा सोर्स है बेसिकली, ये जो सोर्स है बेसिकली, ये पूरा आपको डब्बा दिख रहा होगा है ना, ये लिया गया, ये अल्फा सोर्स है बेसिकली। इससे क्या निकलेगा, हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो निकलेंगे। इसके जो बीच में इन्होंने रखा ना, ये इन्होंने ऐसा पार्टिकल रखा है इसके अंदर जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है अल्फा रेज निकलती हैं, ठीक है ना। ये पूरा डब्बा क्या रखा है, ये क्या हो रहा है पूरा डब्बा, इस पूरे डब्बे को हमने बोल दिया अल्फा सोर्स, ठीक है ना, जिससे कि अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये बिल्कुल लाइट पर्पल सा, ये है हमारा, ये जो रेड पार्ट है ये है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसको जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर पोलोनियम भी हो सकता था, PO, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर इन्होंने रख दिया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसमें से क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, अल्फा रेज निकलेगी, ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, एक पूरा सेटअप बिछाया, ठीक है ना। और यहाँ पर लीड की शीट है, बेसिकली ये क्या है, लीड की शीट है, और इस जो लीड की शीट में जो है इन्होंने होल कर दिया ताकि जो अल्फा जो रेज है वो निकल सके। और ये जो बीच में इन्होंने बनाया है, ये बनाया है गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल है, ठीक है ना। ये किससे बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है, इसके अंदर एटम्स कौन से हैं, गोल्ड के, तो ये पूरी गोल्ड की फॉइल है। क्या अरेंजमेंट कराया गया, इन्होंने अरेंजमेंट ये किया कि जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आएंगे ना, वो जो ये यहाँ पर ये लीड की शीट लगी हुई है, इसमें जो छेद है, जो इसमें होल है, इसमें से निकल जाए और पूरे की पूरे कहाँ पर अटैक करें, इस जो ये आपकी गोल्ड फॉइल है इस पर अटैक करें। ये पूरा सेटअप था। हुआ क्या, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई, चलिए डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई। हुआ ये कि जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आए, देखा ये किया कि ये सारे के सारे इस पर बिल्कुल आकर टकराए, और टकरा के यहाँ पर बेसिकली एक अरेंजमेंट और था कि जो आपको लीड की शीट दिख रही है, यहाँ पर जिंक सल्फेट लगाया गया है, यहाँ पर क्या लगाया गया है, जिंक सल्फेट। और यहाँ पर सारी इन्होंने ऑब्जर्वेशन जो है नोट करी। हुआ ये जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाए, इस होल से गुजरे और यहाँ पर इन्होंने अटैक किया गोल्ड फॉइल पर, ये टकराए, टकराकर ये सारे के सारे जो लगभग 99%, लगभग 99% जो आपकी बेसिकली अल्फा रेज थी वो क्रॉस कर गई और यहाँ पर आकर टकरा गई। यहाँ पर आके हमने इनको ऑब्जर्व कर लिया, अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लिया। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि जिस स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, उसी स्पीड से इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद भी आराम से निकलकर यहाँ पर पहुंच गए, इस जो जिंक सल्फेट की शीट है यहाँ पर पहुंच गए। तो अब आप देखिए कि गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद भी जो ये अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड है, ये बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। तो कहने का मतलब है, अगर इनकी स्पीड खत्म नहीं हुई है तो जरूर कुछ ना कुछ तो है। कि ऑब्वियसली बात है, आप सोचिए कि भाई यहाँ से अगर अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, इस शीट पर टकरा रहे हैं, और बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है अल्फा पार्टिकल्स को, और 99% जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डायरेक्ट जो है इस जो शीट है इसको बिल्कुल भेद कर आगे चले गए, और कोई स्पीड में भी कोई इनका डिफरेंस नहीं आया, जिस स्पीड से ये टकरा रहे थे उसी स्पीड से ये आगे निकल गए। तो मतलब इसका क्या मतलब आप समझते हो, एक एग्जाम्पल और देती हूँ। सपोज करिए एक दीवार है, समझ रहे हो, एक दीवार है, और आपको ये लगता है कि आपके सामने एक दीवार है, ठीक है, वो दीवार असलियत में है नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि सामने एक दीवार है और आपने बॉल मारी और वो बॉल आगे पार हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब यही है ना कि भाई उस वहां पर दीवार नहीं है, बस आपके दिमाग में वो दीवार थी। तो कहने का मतलब है कि अगर सपोज करिए, मैं दोबारा आपको समझाती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है, इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि जो ये गोल्ड फॉइल है ना, इसमें खाली जगह है। जबकि सर जेजे थॉम्सन ने क्या बताया था कि जो कोई भी जैसे एलिमेंट है या फिर कोई भी जो एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, बेसिकली वो हर जगह फैले हुए हैं। और जो अगर हर जगह फैले हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फैले हुए होते, अगर ये गोल्ड फॉइल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फैले हुए होते, तो जो ये अल्फा पार्टिकल है ना, ये सीधे निकल नहीं जाते है ना, और वो भी सेम स्पीड के साथ में। अगर इलेक्ट्रॉन होते तो इनसे टकरा के इसकी स्पीड जो है धीरे होती, समझ में आई, या तो धीरे होती या फिर कुछ इंक्रीज हो जाती, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते, बट इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जरूर बीच में कोई खाली जगह है,
जरूर बीच में कोई खाली जगह है, तभी तो 99% जो पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल्स वो निकल गए, वो भी सेम स्पीड के साथ में। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था दीवार का, कि सपोज करिए सामने कोई दीवार आपको लग रही है कि कोई दीवार है, और आपने बॉल फेंकी लेकिन वो बॉल एकदम पार कर गई, तो मतलब वहां पर दीवार नहीं है, मतलब वहां पर खाली जगह है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं दोबारा उसके एक्सपेरिमेंट की तरफ कि क्या कहा गया। देखो, द रदरफोर्ड गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट यूज एन अल्फा पार्टिकल गन। ठीक है, इस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया था। क्या क्या पॉइंट्स नोट हुए, क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या क्या आई, मैं आपको समझा चुकी हूँ। हुआ ये अल्फा सोर्स है, इसमें से कुछ पार्टिकल जो बीच में जो पार्टिकल्स थे ना, बीच में जो पार्टिकल्स थे, जैसे ही कोई भी बेसिकली क्या था, ये पूरा का पूरा एटम है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से रेज निकल रही है, जैसे ही बीच में टकरा रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। ठीक है, साइड में से जा रही है वो डायरेक्ट निकल गई, ये साइड में से निकल गई। आप देखो, ये बीच वाली आई और इसमें टकरा कर ये निकल गई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, लेकिन बाकी जो है, बाकी सीधी जा रही है, मतलब 99% सीधी जा रही है। ठीक है, साइड में कुछ थी जो कि साइड में आकर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों रिफ्लेक्ट हो गई, क्या सीन क्या था, कि कुछ तो रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ सीधी जा रही है, लेकिन 99% जो है वो सीधी जा रही है। ठीक है ना, बात ये थी कि क्या कंक्लूजन निकाला गया बाद में, कि जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कैसा है। इन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने, स्ट्रक्चर ये कहा गया कि एक जो है गोल गोल तो एटम है, बिल्कुल सही बात बोली, इसके बीच में कुछ है, इसके बीच में कुछ ऐसा मतलब है, कोई पार्ट है जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा मास है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मास है। ठीक है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल आ रहे थे तो इस मास से टकराकर रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, इस मास से टकराकर रिफ्लेक्ट हो गए। अब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, जो खाली खाली जगह थी, वहां से ये डायरेक्ट पास हो गए। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके का जो है पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बताया है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये इन्होंने रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस नाम निकाला, जो ये इसने बीच में जो पार्ट बताया ना, ये पूरा एटम, ये बीच में पार्ट, इसको इसने क्या बोला, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बेसिकली, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बात आई समझ में? तो न्यूक्लियस को किसने डिफाइन किया था, रदरफोर्ड ने। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, रदरफोर्ड गेव हिज मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उसने साफ कह दिया कि सर जे जे थॉमसन ने जो बात बताई थी ना, कि एटम जो पोजीशन एटॉमिक मॉडल की वो तरबूज की तरह है या प्लम पुडिंग की तरह है, वो गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना, तो जो रे पार्टिकल, जो रेस जो निकली थी ना, वो क्या करती, वो टकराकर उसकी स्पीड कम होती, उस गोल्ड फॉइल से टकराकर स्पीड कम होती, बट ऐसा नहीं हुआ, 99% सीधे निकल गए, और कुछ जो बीच में टकराई थी वो रिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि बीच में जो न्यूक्लियस है, बीच में तो सन है, ठीक है, और सन के चारों तरफ हमारे अर्थ जो है चक्कर लगाती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। बात समझ में आ गई? अब चलिए आगे चलते हैं। क्या कहा रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्मॉल है, डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज है। दूसरा इसने बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज अ आर्क ऑर्बिट। ऑब्वियसली बात है, देखो अपना जो सन होता है उसके चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है, वैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ऐसा किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। बात आई समझ में? सेकंड इसने क्या बोला, थर्ड इसने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो ये कुछ बातें रदरफोर्ड ने कही। अब लिमिटेशन क्या थी, देखो रदरफोर्ड की क्या हुआ, बोहर जी आए, बोहर मॉडल आप पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे बोहर मॉडल। क्या कहा बोहर ने, बोहर ने ये बोला कि भाई रदरफोर्ड जी बात बताइए आप, कि अगर आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस हमारी जो है क्या है, सन है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, अर्थ है, और सपोज करिए अर्थ है, और ये जो है चक्कर काट रहा है इसे, इसके चारों तरफ, अगर ऐसा है तो मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने कहा था जब भी ऐसा होता है कि एक बॉडी के चारों तरफ दूसरी चार्ज बॉडी अगर चक्कर लगाती है ना, तो वो अपनी एनर्जी लूज करती है। ठीक है, एनर्जी लूज करती है। अगर सेम केस
अगर सेम केस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के साथ है, सेम केस अगर न्यूक्लियस यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करके एक दिन क्या करेगा, घूमता घूमता आके इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। क्योंकि जब एनर्जी लूज होगी तो चक्कर काटने की क्षमता भी तो कम हो जाएगी ना, राउंड काटने की क्षमता भी कम हो जाएगी, एबिलिटी कम हो जाएगी, और वो क्या करेगा, थक हार के इसके अंदर आकर गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। बट ऐसा तो नहीं हो रहा, ये तो क्या कर रहे हैं, सेम स्पीड में लगातार बेचारे घूमते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता ही जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो क्या हुआ, क्या लिमिटेशन आई, कि दे कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये बता ही नहीं पाए, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता अपनी, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग तो एनर्जी लूज होनी चाहिए ना, जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के, कोई चार्ज बॉडी जो है उसके आसपास अगर चक्कर लगा रही है तो जो बाहर की बॉडी है वो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, मैक्सवेल ने तो ये कहा था, लेकिन जो बोर्ड ने ये क्वेश्चन उठाया तो ब्रदरफोर्ड आंसर नहीं दे पाया। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड ऑल्सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस तरीके से रदरफोर्ड का जो ये एटॉमिक मॉडल है कुछ इसकी लिमिटेशन थी। अब हम आगे पढ़ेंगे, बेसिकली आगे हम लोग पढ़ेंगे बोहर का मॉडल। तो आई होप आपको रदरफोर्ड का मॉडल समझ में आया होगा, एटॉमिक और जो अपना सर जे थॉमसन ने जो थ्योरी दी थी वो समझ में आई होगी। अब हम इन सारी थ्योरीज को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि देखो सर जे थॉमसन ने कुछ अच्छी बात बताई कि चलो ठीक है एटम जो है वो थोड़ा स्फेरिकल है, बेसिकली एकदम एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं बट हाँ स्फेरिकल है। रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, तो इनके कुछ कुछ पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें काम में आती है। दूसरा जो रदरफोर्ड है ना, इन्होंने फिजिक्स में इनका बहुत योगदान था, मतलब इन्होंने फिजिक्स को बहुत अच्छी डायरेक्शन दी, वो इस बहुत सही डायरेक्शन दी थी, तो रदरफोर्ड का इसलिए भी जो है बहुत बड़ा योगदान था। कुछ बातें थी जो रदरफोर्ड नहीं कह पाए थे, यानी इसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं कह पाए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं कह पाए, तो ये सब चीजें कवर की आगे बोहर मॉडल ने। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोहर का मॉडल, तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट आए तो आप बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे दोबारा, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।